अस्सलाम वालेकुम यार, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, और क्योंकि ये भी मशहूर है कि जिस बंदे को और कोई काम नहीं मिलता वही मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। बस आज एक छोटा सा मैसेज है, मे बी मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी, आज फिर बना रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमें कभी भी हमारे करियर के ऊपर ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। हमें यही लगता है कि जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, एक सर्टन सेट चीज़ें कर दी गई हैं कि यही अच्छा है और बाद में सारा फजूल है। हम जब एफएससी में होते हैं तो हमें एक रेस में लगा दिया जाता है कि देखो जी बच्चे, ये इंजीनियरिंग है और ये जो है ना ये मेडिकल साइंस है, और इसमें आपने डॉक्टर बनना है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक ना बन सके तो लाइफ इज पथेटिक, आप कुछ भी नहीं है। और यार हम उस रेस में लग जाते हैं और उसमें इतना लगते हैं कि अपना जो एफएससी का खूबसूरत टाइम है वो गंवा देते हैं। तो अब आप, मैं अपनी बात करता हूँ, जिस दिन मेरा एफएससी का रिजल्ट आया मैं डॉक्टर नहीं बन सका, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने कहा यार, रोने लग गया मैं बहुत ज्यादा रोया। मैं यार मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मैं पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, उन्होंने तो मेरे बारे में बड़ा अच्छा सोचा था एंड ऑल दैट। और मुझे लगा कि बस जिंदगी जो है ना अब फारिग हो चुकी है, अब खत्म हो गया है, अब इसके बाद कुछ नहीं है। एनी हाउ वापस आया, क्या करूं, दाखला ले लिया यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। ओके जी, पढ़ाई स्टार्ट कर दी। यूनिवर्सिटी में क्या करना है यार, यूनिवर्सिटी में ना एक है मेजर एग्रोनॉमी, उस एग्रोनॉमी के लिए ना सीजीपी चाहिए बड़ी हाई लेवल की। तो अगर वहां पे अच्छी सीजीपी ना ना आई तो जिंदगी फारिग है, फिर नहीं आपने कुछ बन सकना। ओके, बैचलर स्टार्ट कर दिया, यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी, एग्रोनॉमी आ गया, ले लिया, लेकिन बैचलर के बाद इतनी अच्छी सीजीपीए नहीं बन सकी, 4 नहीं बन सकी, तो क्या फिर जिंदगी खत्म होगी, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं। ओके, उसके बाद आते हैं, उसके बाद ही ये एक रजीम शुरू हुआ। पहला मैंने एग्रीकल्चर ऑफिसर का टेस्ट दिया, अभी मैं एमएस कर रहा था तो मेरा वो एग्रीकल्चर ऑफिसर का टेस्ट पास हो गया, लेकिन मेरा इंटरव्यू फेल हो गया। मैं बहुत रोया, मेरे साथ वाले जो लोग थे वो पास हो गए और उनका मतलब वो एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बन गए, मैं बड़ा रोया। मैंने कहा यार ये क्या मतलब, मेरे साथ क्या ज्यादती हो रही है। ओके चलो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि अभी मैं एमएससी कर ही रहा था तो दरमियान में एजुकेटर्स की जॉब आई, और एजुकेटर में खाने वाल में सिर्फ एक सीट थी और मेरी जो है ना वो दूसरी पोजीशन आई। उस दिन मैं रोया नहीं, उस दिन मैं वाकई परेशान हुआ। मैंने कहा यार बिलाल पाशा कोई मसला तो है, कोई इशू है, क्योंकि सबकी एक्सपीरियंस, इवन के जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसने भी कहा यार तुम बड़े मेहनती हो और कोई क्या मसला हो रहा है। मैं बड़ा परेशान हुआ उस दिन भी, और रोया नहीं लेकिन मैं अपसेट बहुत हुआ और लगा कि जिंदगी खत्म हो गई है क्या। लेकिन बस एक मोटिवेशन जो थी वो ये थी कि मैं अर्निंग कर रहा था, जो सबसे अच्छी बात थी। मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से ही पार्ट टाइम जॉब के साथ अर्निंग कर रहा था, वो अर्निंग जो है ना वो मोटिवेशन डाउन नहीं होने देती थी, बिकॉज मैं कुछ ना कुछ कर रहा था, लेकिन कोई नौकरी शौकरी नहीं हो रही थी एज इन। तो आज जब मैं ना वापस देखता हूँ और एफएससी पे जाता हूँ तो मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि ये जो सो कॉल्ड सीएसएस वाला टैग है ना, कि पता नहीं सीएसएस करके बंदा क्या बन जाता है। तो अगेन मैं इस पे भी बाद में आता हूँ कि सीएसएस करके बंदा क्या बनता है या नहीं बनता। आई रिस्पेक्ट इट, आई एम बीइंग ए सीएसपी, बीइंग ए पार्ट ऑफ सिविल सर्विस, आई रियली रिस्पेक्ट इट। लेकिन मैं आज कुछ और भी बताना चाहता हूँ। अब जब मैं एफएससी पे देखता हूँ और जब मैं डॉक्टर नहीं बन सका था, तो खुदा की कसम कि अब जब बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हैं और वो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं तो दिल मुतमिन हो जाता कि ओके, मतलब आई एम बेटर। वेल, एक चीज जिसके लिए कभी रोया था, जिसके लिए कभी बहुत ज्यादा रोया था, वो फील होता कि यार कोई बात नहीं है, नाउ आई एम अ बेटर, इन बेटर पोजिशन। ओके, एग्रीकल्चर ऑफिसर का टेस्ट पास नहीं हुआ था, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, जिन लोगों का उस टाइम एग्रीकल्चर ऑफिसर का टेस्ट पास हुआ था, आज उनसे बात होती है तो वो दुखी होते हैं कि पाशा तुम्हारा नहीं हुआ था, अगर तुम्हारा हो जाता तो तुमने इसी चक्कर में रह जाना था, तुमने सीएसएस की तैयारी नहीं कर सकनी थी। दिल को चाहता कि ओके, अच्छा ही हुआ तब नहीं हुआ, एजुकेटर में हो जाता तब भी ऐसा होता। तो जो लोग जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल कामयाबी दें,
बाकी यार इन द एंड आप सी एस पीज का भी वो रेशो निकाल के देखें तो कितने लोग हैं जो सिविल सर्विस को छोड़ देते हैं, नहीं करते सिविल सर्विस। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अपने आप को कभी भी डाउन ना करना, अपने आप को कभी भी मिटाना ना, एक स्ट्रगलिंग फेज में जरूर रहना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मुतमिन रहना और खुश रहना। यकीन करो अगर मुतमिन हो, खुश हो, मजदूर भी हो, इट्स फाइन। मुतमिन नहीं हो, खुश नहीं हो, डोनाल्ड ट्रंप भी रो रहा होगा, राइट, नवाज शरीफ भी रो रहा होगा, राइट। तो जिन लोगों ने पास किया रिटर्न, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, अल्लाह ताला उनको मजीद कामयाब करें। और जिन लोगों ने नहीं पास किया, तो अगेन मैं कहता हूँ कि कोई एक फेलियर किसी एक मोमेंट पे नाकाम होना आपकी ज़िंदगी को डिफाइन नहीं कर सकता। मैं इसे ये भी नहीं कह रहा कि अपनी स्ट्रगल ना छोड़ो, एक लिमिट डिफाइन कर लो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहो कि सर्कल चलता रहे। सर्कल चलना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी में हो, कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लो यार, मैं कहता हूँ कोई कर लो। मैं आई वॉज़ वेरी गुड एट टीचिंग, टीचिंग अच्छी आती थी, होम ट्यूशन पढ़ाता था, बहुत पैसे कमाए, इवन के बैचलर लेवल में अराउंड 50-60 महीने का कमाता था, ठीक है। उसके बाद जब नौकरियों की बारी आई, पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर इन पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एरिया मैनेजर सिवर एंटरप्राइजेस, और ये इवन के सीएसएस, ये कर लिया। लेकिन दो चीज़ें साथ साथ की, नंबर वन रुका नहीं कभी भी, कुछ ना कुछ पार्ट टाइम अर्न कर रहा था, एक मोटिवेशन मिलती रही मिलती रही, कभी भी स्टेल नहीं हो गया कि सब कुछ रुक नहीं गया कभी। और दूसरा ये है कि ये नहीं किया कि ये नहीं हुआ तो रुक नहीं गया, फिर वहां पे भी चलता रहा। और आखिरी बात ये है कि मैंने पहली अटेम्प्ट फेल की थी, मेरी सीएसएस की पहली अटेम्प्ट फेल थी, और उस दिन मैं बहुत ज्यादा रोया था, यकीन कर लो मैं बहुत ज्यादा रोया था, ठीक है। लेकिन अब जब उन सारी चीजों पे मुड़ के देखता हूं तो हंसी निकलती है कि यार रोना नहीं चाहिए था, कुछ भी हो जाता रोना नहीं चाहिए था, उनको हौसले के साथ बर्दाश्त करना था। और जो चीजें दो कर रहा था, थोड़ी बहुत अर्निंग और एक प्रॉपर फेज ऑफ लाइफ चल रहा था, उनको जरूर चलाना था। तो अगेन मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन के नहीं कह रहा, एक बड़ा भाई होने के नाते, सीनियर होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी में हो तो कुछ ऐसा जरूर करना स्टार्ट करो, कोई प्रोग्रामिंग सीख लो, कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, यार कुछ कर लो, पर थोड़ा सा अर्निंग स्टार्ट करो, एक इंडिपेंडेंस लाइफ स्टार्ट करो, और उस इंडिपेंडेंस में कुछ ना कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करो। सीएसएस को, और जो लोग सीएसएस के फेज में हैं, प्लीज सीएसएस को भी अपनी एक्सट्रीम हद ना बना लो, एक अच्छा टारगेट है। बीइंग ए सीएसपी इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एंजॉयिंग माय लाइफ एट वेरी गुड, बट इसको भी हद ना बना लो, बस यार यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपने इर्द गिर्द देखो, तुम्हें बहुत सारे लोग नॉन सीएसपीज मिलेंगे और उन्होंने जिंदगी में बहुत बहुत कुछ अच्छा किया है। सो अगेन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नहीं पास हुआ तो मेरी तरह रोना नहीं है यार, ये ना हो कि कभी मुड़ के देखो तो खुद पे भी हंसी आ रही है, भाई यार इसके लिए रोना था, ये चीज थी, नहीं, इट इज अगेंस्ट योर ग्रेस। रोना नहीं है, कामयाब रहना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट की अच्छी तैयारी करनी है, कुछ साथ में जरूर ऐसा करना है कि एक इंडिपेंडेंट लाइफ में लेकर आना है अपने आप को, और अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर करनी है। एंड द फोर्थ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अपना लेवल ऑफ कंटेंटमेंट के कहाँ पे मैं मुतमिन हूँ वो जरूर डिफाइन करना है, और उस लेवल पे पहुँच के फिर मुतमिन हो जाना है, फिर उससे नेक्स्ट लेवल तक पहुँचने में वो जो उस लेवल तक अपने आप की मुतमिनी हासिल की है उसको खोना नहीं है। और देखो कि कहाँ पे खुश रहते हो, वहाँ पे रह के खुश रहो, ठीक है। तो अगेन मुझे कल से काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे तो मेरा दिल बड़ा दुखा, मैंने कहा यार ये तो वही बातें होंगी जो मैंने पास्ट में की थी कि रिजल्ट, डॉक्टर नहीं बन सका तो रोने लग गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं बन सका तो रोने लग गया, एजुकेटर में जॉब नहीं बन सका तो रोने लग गया। रोना नहीं है यार, खुश रहना है, कुछ ना कुछ अपने लिए अर्न करना है और उसको बेहतर करने की कोशिश जरूर करनी है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट एंड अल्लाह।